आइए, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के ऑटो वाले हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है उनको जानते हैं। मैं परेशानी ये बताना चाहता हूँ कि मैं बुराड़ी गया, बुराड़ी में जो है बिना किसी दलाल के काम नहीं होता है, जबकि हमने जो है एक पेड़ खड़ा करा था जिसको केजरीवाल बोलते हैं। ये ऑटो वाले ही केजरीवाल को लाए थे और केजरीवाल के वो होने के बाद भी ये भ्रष्टाचार अथॉरिटी का आज तक खत्म नहीं हुआ। आप कहना चाहते हैं कि अथॉरिटी के अंदर जब बुराड़ी है या दूसरी है, वहाँ पर स्वयं भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, उसी की वजह से आप परेशान हैं। हर जगह पर दलाल बैठा हुआ है, बिना दलाल के काम नहीं होता। सर, ये खुद हम लोगों ने पाल रखे दलाल बैठे हुए हैं, हम ही तो जाते हैं उनके पास, वो थोड़ी नहीं आते हैं हमारे पास। अगर आप लोगों को पता है ये परेशानी है और वो नहीं है, आपको मालूम है कि आप सब कुछ ठीक ठाक है, मीटर भी ठीक ठाक है, और वो अड़चने पैदा कर रहे हैं, जान चुके कोई ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, तो उसी समय आप 100 नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं होना है वहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑटो सिस्टम ही बंद कर दिया जाएगा। अब क्या हो रहा है, हरियाणा नंबर के सब ऑटो वाले, उनके पास लाइसेंस नहीं है, बैज नहीं है, कोई भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं है। आप जहाँ भी चले जाइए, इको मिल जाएगी, वैन मिल जाएगी, है HR नंबर, इतने घूम रहे, किसी को क्या जरूरत है इतनी महंगी गाड़ियाँ लेने की, और DL चाहिए उनको, लाइसेंस चाहिए, बैज चाहिए। कुछ कहना चाहिएगा? आपको मैं फिर बता दूं, कानून के मुताबिक किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी गाड़ी के मालिक हैं, वही गाड़ी ही आपकी गारंटी होती है। आप किसी भी बैंक के अंदर जाकर लोन ले सकते हैं। डाटा देखिए आप, ये डाटा देखिए आप, इस पे क्या लिखा हुआ है, मेरा लाइफ टाइम का बैच था सर, ये अब 5 साल के लिए कर दिया इन्होंने, और इस लाइसेंस को देखे सर, प्राइवेट कर दिया इन्होंने, मेरा लाइसेंस बैच खो गया था तो इन्होंने प्राइवेट कर दिया, और 7.5 टन की कर दी। ये नितिन गडकरी की साफ साफ गलती है। ठीक है, इस समय हमारे पास एक ऑटो ड्राइवर हैं जिन्होंने GH ऑटो ड्यूज के रसीद, जिसके अंदर सिर्फ व्हीकल नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर जो है 26,000 है। ये देखिए, ये तो कर ली, देख रहे फॉर रेंट लिखा हुआ है इसमें? इसके अंदर लिखा हुआ है फॉर रेंट, जबकि वो इंस्टॉलमेंट पे दे के आया, लेकिन रसीद दी जा रही है कि वो एक एज ए उसका किराया दिया जा रहा है, जो कि टोटली गैर कानूनी है। और मैं इनसे कहूँगा कि आइंदा कभी मत दीजिएगा, उनको बोला भैया इसके ऊपर लिखेगा मेरी इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट लिखोगे मैं तभी पैसे दूंगा जो है। ठीक है, कैलाश गहलोत जी को खुद पैसा जाता है, ये डीलर खुद इकट्ठा करके इनको इकट्ठा करके, मतलब है कि जो मिनिस्टर जो है उनके पास भी पैसा पहुँचता है डीलर के जरिए। बिल्कुल, तभी तो ये सारे धांधली चल रही है, सारा भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक, कोई मिली भगत से हो रहा है सर जी। पीरागढ़ी चौक पे कम से कम है ना 100 रिक्शा लगता है, 100 रिक्शे लगते हैं पीरागढ़ी चौक पे। हर रिक्शे वाला ये बोलता 1,000 रुपये मंथली देता हूँ यहाँ खड़े होने का, 1,000 रुपये मंथली देता हूँ खड़े होने का, 100 रिक्शे का एक पेटी बनता है, एक पेटी थाने में पहुँचता है, सारी जगह पहुँचता है। रिक्शे वाला ऑटो वाला गाड़ी निगड़ी कर सकता, नो पार्किंग का चलान होगा उसका फट सीना, और रिक्शे वाला ई रिक्शे वाला बोलता है कि जाकर सफेद वर्दी को बुला के। कहना का मतलब हर ई रिक्शा वाला 1,000 रुपया महीना थाने वालों को देता है और वो सारा का सारा पैसा ऊपर तक जाता है, जाते हैं ऑटो रिक्शे वाला खड़ा कर दे तो चालान होता है उसका, नो पार्किंग का। बैटरी रिक्शा वाला बोलता है कि सफेद यूनिफॉर्म में जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है उसको बुला के लिया, 1,000 रुपये मंथली देता हूँ, तेरी हटवा दूंगा, अलर्ट में बोलता है तेरी ऑटो हटवा दूंगा, मेरी नहीं हटेगी भैया। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं जलेबी चौक नांगलोई के आसपास खड़ा हुआ हूँ, एक अगली कड़ी के रूप के अंदर। वैसे तो आप जानते हैं कि थ्री व्हीलर वाले क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, चाहे वो अथॉरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पुलिस के चलान से रिलेटेड है, ये सर्वविदित है, ये परेशान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सबकी कोई कईयों की कॉमन प्रॉब्लम है और कई की अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। आइए, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के ऑटो वाले हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है उनको जानते हैं। सर नमस्कार, सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेश है। कब से ऑटो चला रहे हैं? मैं करीब 10 साल हो गए मेरे को चलाते हुए। आपको क्या परेशानी महसूस हो रही है कि आपकी क्या क्या परेशानी, अपनी परेशानियों को बताइए, खुलकर बताइए। मैं परेशानी ये बताना चाहता हूँ कि मैं बुराड़ी गया, बुराड़ी में जो है बिना किसी दलाल के काम नहीं होता है, जबकि हमने जो है एक पेड़ खड़ा करा था जिसको केजरीवाल बोलते हैं। ये ऑटो वाले ही केजरीवाल को लाए थे और केजरीवाल के वो होने के बाद भी ये भ्रष्टाचार अथॉरिटी का आज तक खत्म नहीं हुआ। वहाँ अगर हम गाड़ी पास कराने जाते पहले 200 रुपये लेते थे, आज वो 800 रुपये लेते हैं, लेकिन केजरीवाल ने वो फीस बंद कर दी। जो फीस जो है हमारी 500 रुपये की फीस थी, फीस खत्म कर दी, लेकिन वही दलाली वहाँ पे बढ़ गई है 800 रुपये।
200 रुपये की जगह 800 रुपये दलाली बढ़ गई है, और अगर हम 800 रुपये नहीं देते हैं तो हमारी गाड़ी पास नहीं होती। चलो उन्होंने जो है एक हमारी डिम्स बंद कर दी, डिम्स बंद करने के बाद में जो है उन्होंने और खर्चे ऊपर लगा दिए। डिम्स क्या होता है? डिम्स ये होता है कि हमारा जो मीटर गाड़ी का जो है एक चीज किराया मीटर होता है और GPS होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है एक GPS का 1800 रुपये हमारे हर महीने के लगते थे। बड़ा चोर सिस्टम था। आप कहना चाहते हैं कि अथॉरिटी के अंदर जब बुराड़ी है या दूसरी है वहाँ पर स्वयं भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, उसी की वजह से आप परेशान हैं? सर एक मिनट, वहाँ पे भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ भी नहीं है। वहाँ जाकर के आप देखोगे आज दलाल अपनी गाड़ी इस तरीके से लगाए रखते हैं जैसे ये 10 गाड़ियाँ लग रही हैं, 20 गाड़ी उसकी है, 50 गाड़ी उसकी है, लेकिन अंदर जो है अगर आप गाड़ी साफ गाड़ी खड़ी है साफ गाड़ी को ले जाओगे तो वहाँ पे गाड़ी पास नहीं होती है। इसके अंदर कह देंगे ये करो वो करो, आप है ना कभी भी वहाँ जा करके गुप्त वीडियो बनाओ वहाँ पे वीडियो बना करके आप वहाँ पे जो है देखो, देखने के बाद वहाँ पे आप ये देखो कि किस किस की गाड़ी पास हो रही है, जो गाड़ी पास होके निकल के उनकी वीडियो बनाओ। इसके अंदर क्या कमी है, ना तो उसके अंदर गुल्ली स्विच होगा, ना उसकी ब्रेक लाइट होगी, ना उसकी हैंड लाइट होगी, ना स्ट्रीट लाइट होगी, कुछ नहीं होगा। जब 10 साल के अंदर जो है एक मिनट सर, पैसे के बल के ऊपर वो गाड़ी पास हो जाएगी? हाँ, पैसे के बल पे गाड़ी पास हो जाएगी। 10 साल के अंदर जो है ये आदमी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं काले से। ठीक है, हमारे अंदर कोई ना कोई कमी आ गई, चश्मा आ गया आंखों पे। जब गाड़ी हमारी 10 साल चल जाती है, 15 साल इसकी अहमियत है, तो इसके अंदर एक आध कमी तो 100% आती है। ये तो मानोगे आप, चलो हमारी ब्रेक ख़त्म हो गई है, कुछ भी है, और दलाल की गाड़ी का सब कुछ ख़त्म है फिर भी गाड़ी पास होती है उनकी। आप कहना चाहेंगे दलालों की अपनी भी बहुत सारी गाड़ियां हैं? दलालों की गाड़ियां तो हैं और हम लोग जाते हैं, क्या करें, जब हमारी गाड़ी पास भी होती है मजबूरी है हमारी, हम दलाल को करते हैं 800 रुपये देते हैं उसको, जबकि हमें नहीं देने चाहिए। मेरी लड़ाई झगड़ा भी हो गया वहाँ पे, मैंने पुलिस वाले भी बुला लिए। सर ये खुद हम लोगों ने पाल रखे दलाल, दलाल बैठे हुए हैं, हम ही तो जाते हैं उनके पास, वो थोड़ी ना आते हैं हमारे पास। लेकिन सिस्टम ये है कि जब पूरा के पूरा दारो मदार अथॉरिटी, आप लोगों ने कभी इन दलालों के खिलाफ या जो आपके साथ जातियां हो रही हैं कोई शिकायत की नहीं की? मैंने सन 2022 में मैंने जो है पुलिस बुला ली थी वहाँ पे अथॉरिटी के अंदर, अथॉरिटी में पुलिस भी आई थी, वो जो है एक पर्ची काट के नहीं दे रहे थे। उन्होंने 15-20 मिनट पहले जो है अपना सिस्टम बंद कर दिया था, उनका सिस्टम का टाइम है 12 बजे तक। मैं कहा आपने 15 मिनट पहले क्यों सिस्टम बंद करा, तो वो कह रहे तेरी सरकार है, हम सरकार हैं, सरकार के बंदे हैं। कह रहा सरकारी आदमी को धमका रहा तू, मारने के लिए चढ़ गया। अगर हम बात करते हैं सच्चाई ईमानदारी की तो वो कहते हैं मारने के लिए चढ़ गया। धमकियाँ देते हैं आप? धमकियाँ देते हैं, लेकिन ये बात तो देखो हर जगह पर दलाल बैठा हुआ है, बिना दलाल के काम नहीं होता। अभी मीटर पास कराने गया था मैं, मैंने कहा मैं बिना दलाल के पास कराऊंगा, यहाँ 400 मांग रहे हैं, 500 मांग रहे हैं, मेरे जब 100 रुपये लग रहे हैं मैं 500 क्यों दूं? मैं 500 आपने तार ली होगी, वहाँ भी तार वाले को पैसे दिए होंगे आपने, क्यों दिए? अरे भाई साहब सारा सिस्टम मीटर के, अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनो यार, सुनाओ। मैंने वहाँ पे पैसे दिए, मैंने वहाँ पे जो है उनने मेरा मीटर पास नहीं करा। मैंने बोला मगा सर आप मेरी जो है ये पास क्यों नहीं कर रहे हो, ये मेरा मीटर है। वहाँ पर जो है यूँ कह रहा तुम्हारी गाड़ी में सिस्टम चल रहा है, हमारे यहाँ पर जो है ये सिस्टम नहीं चल रहा। फिर मैं सिस्टम सही करा के लाया, फिर भी वो फैल कर रहे हैं। मैंने मीटर उठाया, मगा भैनचोद मैं तो बंद होऊंगा जी, जो बात मैंने कही है मैंने कहा मैं तो बंद होऊंगा आऊँगा, लेकिन सर एक बात बताओ दलालों के क्यों मीटर पास होते हैं? हैं यहाँ पर दलालों के मीटर क्यों पास होते हैं? मैं ये या तो इसको तोड़ दूंगा, मैं गाड़ी चलाना बंद कर दूंगा। वहाँ पर जो है फिर मेरा जो है मीटर पास करा उसी डेट में, यानी आपका कहने का मतलब इतना कुछ होने के बाद धमकाने के से आपका मीटर फिर भी उन्होंने ठीक कर डाला, पास कर दिया? मेरा मीटर पास करा, लेकिन मेरे को एक चक्कर ये ग्राउंड मरवाया उल्टा सीधा, मैं यहाँ पे गया फिर चले गया वहाँ पे, सिस्टम में कोई कमी नहीं थी मेरा मीटर। आपसे वो डर भी गए, ये भी कहना चाहिए वो आपसे डर गए जब आप लोगों ने उनकी खिलाफत की? दो खिलाफ क्या करें, यहाँ हर जगह पर सर बहुत बुरा हाल है। इन्होंने बोला आपने पाल रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम पैसे नहीं देंगे लड़ेंगे, हर बंदा लड़ेगा तो भारी खड़ा रहेगा, और जो सड़ी हुई गाड़ी ले जाएगा उसकी पास होती है। कभी सर वहाँ पे गुप्त जो वहाँ का इंचार्ज है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर है वहाँ अपनी, तो आप जी दलाली करते हैं, MLO आया था या करवाते हैं? आपका मतलब है MLO फुल डाटा पूरे अथॉरिटी में है, डाटा
हर किसी का नंबर है थोटी में, तो वो कॉल करके क्यों नहीं बुलाते कि ये गाड़ी आपकी गाड़ी फाइनेंस है। लेकिन आपने बड़ी इम्पोर्टेंट की कि एमएलओ या वो भी दलालों के साथ मिला हुआ है। बात हुई थी मेरी एमएलओ से, बात हुई थी, एमएलओ आया जब मैंने मीटर उठाया, मैं कहा साले को इसको फोड़ दूंगा मीटर को। एमएलओ उठ के आया अंदर से, अंदर से आने के बाद उसने बोला एक मिनट इधर आओ, उन्होंने यूं करा तार उड़ जोड़ा तो पहले तो चल नहीं रहा था, फिर मैंने वो मीटर का तार निकाला, उनके सिस्टम के हिसाब से एक तार यहाँ लगा हुआ था एक यहाँ था, मैंने इस तार को इसमें लगाया फिर उनके सिस्टम में। सर आपके, सर आप अपने आप को कितना जिम्मेदार समझते हैं जो आप लोग दलालों की बात कर रहे हैं, आप भी कितने इसमें जिम्मेदार हैं इस बाबत जो है? सर देखिए हम जिम्मेवार से काम करते हैं, लाइसेंस हमारे पास है, बैज हमारे पास है। दलालों को बढ़ावा देने में, दलालों को बढ़ावा देने में आप कितना जिम्मेदार हैं? हम लोग सर मैं बोलता हूँ, सर ऐसा है इन्होंने मिठाइयों की दुकान खोल रखी है, दलालों ने, जितने दलाल हैं इन्होंने मिठाइयों की दुकान खोल रखी है। बढ़िया मिठाई जहाँ होगी इंसान वहीं तो जाएगा, मक्खियाँ वहीं तो पहुंचेंगी। तो ये दलाल जो हैं सब ग्रुप बना के चल रहे हैं अपना, और ग्रुप बनाने के बाद ये टारगेट करते हैं सबको, ड्राइवरों को। जब ये कानून लागू हुआ है कि भाई मतलब आपसे हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपका पैसा देने का हमारा हकदार है, हम हकदार हैं। नहीं, आप एक बात बताइएगा, आप दलालों, आप इन्होंने कहा कि हम लोगों ने थोड़ा हंगामा किया हमारा मीटर पास हो गया, सवाल आ जाता है कि आप अपनी आवाज़ को वहाँ पर उठाते क्यों नहीं है कि भाई वहाँ पर 2-4-10 आदमी इकट्ठे हो गए बात कह सकते हैं। सर मेरा नाम है अनुज धनखड़, मैं आपको अब रियलिटी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इन भाई ने जो बात कही ना, मैं इनका विरोध करता हूँ इस चीज़ में, ठीक है। आप जीपीएस का मतलब क्या समझते हो? आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जब आपका बैंक से लिंक हो गया, आपकी केवाईसी होगी, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे एक नंबर इशू किया। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 10 पास हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को आप जीपीएस, अब इन्होंने कहा कांग्रेस ने, ठीक है वो सही है, आपकी लोकेशन, आप उस नंबर को रिचार्ज फ्री मत दो, मैं इस फ्री के खिलाफ हूँ, ठीक है। आप उसको बिल्कुल कनेक्ट करो, जीपीएस से पता होना चाहिए गवर्नमेंट को कि आपकी गाड़ी कहाँ है, कहाँ जा रही है, आप उसका फीस का पैसा लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें आप जो, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, पहले पूरी बात सुनो, आप 800 रुपये ले रहे हो, आप 1200 रुपये लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बात कर रहे हो किसी चीज के, आप सिस्टम से लोगे, जब आप ऑनलाइन पैसे पेटीएम, मेरा सवाल फिर वहीं रह गया, दलालों को बढ़ावा देने में आप कितने जिम्मेदार हैं? पूरी हमारी जिम्मेदारी है दलालों, हाँ जी हम खुद जाते हैं उसके पास, मजबूरी हमारा मजबूरी है सर, इसका और हमारा मजबूरी है जो हम जाते हैं उसके पास, काम अफसर करता नहीं है, हमारी मजबूरी बिना दलाल। मैं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। क्या नाम? देवेंद्र कुमार है। मेरे को 2014 से मैं ऑटो चला रहा हूँ, मैं फिलहाल अपनी गाड़ी है। आपका कहना चाहिए? मैं कहना ये चाहूँगा जितने जिम्मेदार हम लोग हैं दलाली में, इतना ही वहाँ का स्टाफ है। ये हादसा मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं अपने परमिट को स्मार्ट कार्ड के लिए गया था तो स्वयं एमएलओ साहब गेट पर खड़े हुए हैं, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, एमएलओ साहब ने रोका, बोले भैया कौन है, मेरा दोस्त है, उन्होंने उसको बाहर भेज दिया। बड़ी दिल को सुकून मिला, कभी साथ एक नंबर से काम होगा। जब मैं काउंटर पर पहुंचा तो वहां क्या देखता हूं, मेरा सब कुछ एक्टिव है, सिस्टम पर निकाला, बोले आपका तो मीटर नहीं चल रहा। मैंने ऑटो स्टार्ट किया, कंपनी पहुंचा, अभी मीटर बंद है क्या, उन्होंने सिस्टम पर डाला मीटर एक्टिव, बोले ये लो भाई देख एक्टिव है। अगले दिन मैं फिर पहुंचा, आपको बताता हूं कौन जिम्मेदार कौन है। जब मैं अगले दिन वहां पहुंचा तो वहां क्या देखता हूं, आपका तो डाटा ही नहीं आ रहा, मीटर बंद, डाटा नहीं आ रहा है, दो छुट्टी हो गई। मैं तीसरे दिन फिर पहुंचा, डाटा किसने भेजना था, ये एमएलओ जो सिस्टम होता है, हाँ। उन्होंने अगले वाले सॉफ्टवेयर में भेजना है। ओके। वो डाटा उनका होता है, हमारा नहीं होता है, ना कंपनी का होता है उसमें। उसके बाद में भाई अब कल आना, अगले दिन फिर पहुंचाऊं मैं, बोला भाई मीटर नहीं चल रहा, मतलब एक दिन मीटर चल रहा है एक दिन नहीं चल रहा है, भाई अब करना क्या है। बाहर मैंने 50 रुपये दिए, 5 मिनट में मीटर चल गया। जिम्मेदार जितने हम है ना, ज्यादा स्टाफ जिम्मेदार है वहाँ का, स्टाफ को वो, अगर आप लोगों को पता है ये परेशानी है और वो नहीं है, एक सेकंड, आपको मालूम है कि आप सब कुछ ठीक ठाक है, मीटर भी ठीक ठाक है, और वो अड़चने पैदा कर रहे हैं, जान चुके कोई ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, तो उसी समय आप 100 नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नहीं कुछ नहीं होना है वहाँ पे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बताइए।
मेरा चालान काटा मामा भांजे की 1000 रुपए। मेरा मैंने पूछा किस लिए काटा, उन्होंने कहा भाई साहब आपके कागज कम है। मैंने सारे कागज दे दिए, फिर मेरी उन्होंने मैंने भाई साहब क्या लेना है 1000 रुपए, मैंने मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने पता नहीं क्या लिखा, मैंने 100 नंबर पर कॉल करी, 100 नंबर वालों ने मुझे ही धमकाया उल्टा। अब उसमें किसकी गलती है, मेरी गलती है 100 नंबर वाले की गलती है? मैंने 100 नंबर को कॉल करा, 100 नंबर वाला ही मेरे को धमका के गया, जिसके कारण मेरी 2 महीना गाड़ी बंद हुई। 2 बार गाड़ी बंद होती थी पहले, और अब तो ये बंद नहीं होती है, मगर पहले 2 बार, एक बार छुड़वाओ फिर दोबारा बंद करवा के आओ। इसके कारण मेरी गाड़ी भी बिक गई, अभी भी वो हिसाब हो रहा है। अथॉरिटी में फीस कटती कहाँ है सर? एक चीज के लिए बाहर, एक बात बताइए, ये जो ऑटो ड्राइवर है इनके पास लाइसेंस है, बैच है, गाड़ी के सारे पेपर है, तो ऑटो ड्राइवर को पुलिस भी धमकाती है, और एडेडी से कानून और सिस्टम से इनके पास पैसा नहीं है बोल के दलाल मजबूरी का वायदा उठाते हैं। दलाल को खड़ा किसने करता है? एडेडी, उनके पास पैसा है, डीलर खड़ा करते हैं, ये करता कौन है? हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मना होता है, हमें अगर लाइसेंस भेज दिया है, अगर हमें एक तरीके से परमिट, अगर ज़्यादा करके पब्लिक सर्वेंट मानती है, तो पुलिस से और दलाली से हर चीज़ से हमें मुक्ति चाहिए। आपको क्या कोई परमिट होल्डर भी तंग करते हैं? परमिट होल्डर कैसे तंग करते हैं? जैसे आज हमारे पास 5 साल के लिए लिख के दे दिया है, तो हमें अगर उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरा मैं वो ब्लैकमेल तो नहीं करता आपको? परमिट होल्डर भी करता है कि भाई हमारा परमिट उतारूंगा 10,000 लूंगा। परमिट होल्डर कहता है 10,000 दो परमिट उतारूंगा। एक काम किसने लाया? डीलर लोग ने। जेब से 15 से 20,000 देता है, वो उसका सुनता है, डीलर का सुनता है। और आज जिसने भी मजबूरी में 1,00,000 दिया 1.5 लाख दिया गाड़ी लाया, तो आज परमिट होल्डर का मनौता डीलर है। क्यों? उसके पास पैसा है। आज हमारे ऑटो चालक वाले के पास कोई पैसा नहीं है, इसके लिए उनके मनौता नहीं है। मनौता क्यों नहीं है? आपका क्या नाम? आपका नाम? नाम बताओ। कब से ऑटो चला रहे हैं? नीलेश कुमार बताया ना। कब से ऑटो चला रहे हैं? ऑटो सर हो गया लगभग 15-16 साल है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानियाँ हैं, जनरल परेशानियाँ, या आप खासकर खुद क्या क्या परेशानियाँ आपने झेल रहे हैं बताएंगे? परेशानी चाहे वो गाड़ी है ना, परमिट होल्डर नाम नहीं करवा रहा। इन्होंने फाइनेंसर से खरीदी थी गाड़ी, और परमिट होल्डर जो है वो गांव भाग गया। अब फाइनेंसर कह रहा है कि मैं तुम्हारी 4 लाख की गाड़ी है, मैं तुम्हारे को 2 लाख रुपए दूंगा, परमिट मैं अपने आप करा लूं, सारे काम मैं करवा लूं। इन्होंने गाड़ी कराई भी है फाइनेंसर से, अब वो फाइनेंसर को कैसे भेज देंगे भाई? 2 लाख सारी किस्तें दे दी, सारा काम हो गया, इनकी गाड़ी भी पकड़ी गई, इन्होंने किसी तरह गाड़ी छोड़ी। आपका कहना क्या मतलब है कि 5 साल तक ये परमिट होल्डर का परमिट आपको मिला था, उसके बाद परमिट होल्डर का पता ही नहीं है, है कहाँ जो है, तो और आप इस मामले के अंदर उनके फाइनेंसर के शिकंजे में आ गए हैं? हाँ जी, वो अल्टीमेटली मजबूर कर रहे हैं आपको सस्ते से सस्ता। जबकि हम सभी लोगों का बाय टोटा होता अथॉरिटी में, तो अथॉरिटी को चाहिए कि वो फिटनेस आने से 10 दिन पहले हर ड्राइवर को फोन करे, ये लिखतम होना चाहिए अथॉरिटी में, हर ड्राइवर को फोन करके उस फिटनेस के लिए बुलाए, उसके परमिट होल्डर वहाँ चेक होए कि परमिट होल्डर जिंदा है या मर गया, जो ये मरे हुए परमिट होल्डर का रिन्यू कर देते हैं, ये सब चीजें शोषण बंद हो। अथॉरिटी का आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे परमिट होल्डर हैं जो कि मर चुके हैं, उनके परमिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, डीलर उन्हीं के परमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको अथॉरिटी में रिन्यू भी कराया जा रहा है। कहना चाहते हैं आप? लेकिन ऐसा सिस्टम खुद चेंज हो सकता है ना, कि अगर अथॉरिटी चाहे जिसकी फिटनेस है उसको 10 दिन पहले कॉल करा जाए, भाई साहब आपका ये नंबर है और ये परमिट होल्डर हो, आपकी फिटनेस आ रही है, आप आइए यहाँ पे अपनी गाड़ी चेक कराइए। सर आपका नाम? 7.5 टन का आपका लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया है प्राइवेट में, जो आज बैटरी रिक्शा अलाटमेंट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जब आप 7.5 टन तक की गाड़ी चला दोगे तो कमर्शियल लाइसेंस बैच का कोई मैटर नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार में था, 66/192 मदन लाल खुराना जी के टाइम पर, साहब सिंह वर्मा जी थे ना, तो 2004 में बस गिरती यमुना में ना 66/192 लगती। अभी इन लोगों को, भाइयों को पता नहीं है, इन्होंने सिर्फ EVM का बटन दबाना है, इन्हें सांसदों से कोई मतलब नहीं है। सांसद किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। 66/192 का मुद्दा कौन हल करेगा? कानून मंत्री कौन है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। मिनिस्टर उसके पास जाएंगे आप, गड़बड़ी करेंगे, गडकरी साहब करेंगे। आप इनके ऊपर तो 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रहे हो बैटरी रिक्शा को, जबकि 267 रूटों पर ये अलाउड नहीं है, बाई रिंग रोड नहीं अलाउड है,
कोर्ट पे रोहिणी कोर्ट में देख लो आप, वहाँ पे खड़े हुए मिल जाते हैं। एक और मैटर है, तो नहीं खड़े होते हैं, आप फाइनेंसर से बात कर लीजिए। पुरानी दिल्ली तक जा रहे हैं रिक्शे, यहाँ पे ऑटो वालों को मतलब वो लगा देंगे वैन, उनको क्यों नहीं वैन लगाया जाता जी? हम थोड़ा सा माल लोड कर लेंगे, साइड में लगा दो गाड़ी, और वो बैटरी वाले रिक्शे देखो इतना इतना मतलब कि लोड कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। ऑटो वालों को रोक लेंगे, ऑटो वालों को तो ऐसे रोकते हैं जैसे कि भाई थोड़ा लोड कर लिया है, दो सवारी फालतू बैठ गया, आ जाओ भैया साइड में चलान कटेगा तेरा। बैटरी वालों को क्यों नहीं रोका जा रहा सर? एक ही मैटर है, मैंने आपसे जो बताया ना सर, 7.5 टन का हमें लाइसेंस नहीं चाहिए, इनको इसको इस बात से लगता है। क्यों लगता है बैटरी रिक्शा 7.5 टन का हमें लाइसेंस नहीं चाहिए करके ऑटो ड्राइवरों को फाइनेंसर डायरेक्टली बैंक क्यों नहीं फाइनेंस करता इनको? आरबीआई बैंक से डायरेक्ट क्यों नहीं फाइनेंस करता? बीच में जो दलाल बना रखे, क्यों बना रखे दलाल? पहले एचपी होल्डर को फाइनेंस करते हैं, फिर एचपी होल्डर किसी और को गाड़ी। ठीक है, आपको मैं फिर बता दूं, कानून के मुताबिक किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी गाड़ी के मालिक हैं, वही गाड़ी ही आपकी गारंटी होती है। आप किसी भी बैंक के अंदर जाकर लोन ले सकते हैं। आप नहीं जाते किसी वजह से, सोचते हो कि हम अनपढ़ आदमी, पता हमें बेवकूफ़ बना जाते होंगे, तो लेकिन कानून के मुताबिक आप हर बैंक से अल्टीमेट ऐसा लोन ले सकते हैं। दिक्कत किस बात की है? ड्राइवर कहाँ जाएगा? कोई बैंक लोन नहीं देता, ये सारी चीजें कहने वाली हैं कि बैंक नहीं। आप लोगों ने कभी अप्लाई किया है क्या? कई बंदों ने अप्लाई करा है बैंक लोन के लिए, लेकिन जब एक बार एक बैंक लोन एक का आप डीलर के पास जाते क्यों हैं भाई? आपको गाड़ी चाहिए, कहाँ जाएंगे आप बताओ? कंपनी वाले गाड़ी नहीं देते वो डीलर को, कंपनी वालों को। ये डाटा देखिए आप, ये देखो ये डाटा देखिए आप, इस पे क्या लिखा हुआ है? मेरा लाइफ टाइम का बेचता सर, ये अब 5 साल के लिए कर दिया इन्होंने, और इस लाइसेंस को देखे सर प्राइवेट कर दिया इन्होंने। मेरा लाइसेंस बैच खो गया था तो इन्होंने प्राइवेट कर दिया और 7.5 टन की कर दी। ये नितिन गडकरी की साफ साफ गलती है, ये इन भाइयों को नहीं पता है। 7.5 टन की गाड़ी नहीं चाहिए हमारे को, हमारे को कॉमर्शियल लाइसेंस बैच चाहिए, जब आप इस चीज पे लगाम लगा सकते हो। और रही फाइनेंसर की बात, जिसके पास 1 करोड़ की क्षमता है वो सिर्फ फाइनेंस कर सकता है, बाकी और कोई फाइनेंस नहीं कर सकता। या लक्की ऑटो या दिल्ली ऑटो, ये इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा हेमगिरी लिमिटेड से था, उनने मेरा कोरोना में काल में उसने कहा, बोला कि भाई ये ले, मेरे अकाउंट में 1,86,000 रुपया था। बोला भाई इसकी पेलेंटी सर आप 54,600 का चेक डालिए, पेलेंटी मैं दूंगा। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोला 54,000 सर आपका शटर नहीं खुला, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आरबीआई की गाइडलाइन थी ये कि आपकी किस्तें आगे ली जाएगी और वो ब्याज आगे से ही जुड़ेगा। इन भाइयों को नहीं पता है, लेकिन मैं ये बात सच्चाई कह रहा हूँ, 30,000 की सब्सिडी आप इनको दे सकते हो, ऑटो वालों को क्यों नहीं दे? बिल्कुल ठीक बात आपने। आप सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी क्या ऑटो के मालिक हैं या किराए पर मारता है आपका? पहले सर मालिक थे आप, फाइनेंसर ने गाड़ी खींच ली है, अब किराए की फाइनेंसर यानी पहले मालिक थे, आज आप लोग किराए पर आ गए, वजह क्या होगी कि फाइनेंसर ने गाड़ी आपसे छीन ली? क्यों छीन ली? छीन ली जी, जो प्राइवेट डीलर से मैंने गाड़ी खरीदी थी और वो डीलर भाग गया, पैसे मैं पूरे उसको चुकता कर चुका था। डीलर का नाम क्या है? रंगीलाल स्वरूपनगर और एचपी जो थी सेतिया फाइनेंस, शुभलक्ष्मी सेतिया फाइनेंसर थे इनकी, एचपी टर है सेतिया शुभलक्ष्मी कैपिटल लिमिटेड, वो एचपी टर है। अब एचपी टर ने जी मेरी गाड़ी छीन ली, वो कह रहा है 2.5-3 लाख रुपए मांग रहे हैं, और मैं उसको 5,60,000 रुपए पहले डीलर को दे चुका। गाड़ी जब फाइनल हो गई 2 महीने बाद एचपी डीलर भाग गया, एचपी टर ने गाड़ी आपकी वो गाड़ी छीन के ले गए, आपने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई करी क्या जी, हम सब मिल के कई बार गए हैं, हम कई बार मिल आप लोग गाड़ी उठा कर ले गए, आप थाने में नहीं गए, अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं रिपोर्ट वपोर्ट तो मैंने नहीं लिखवाई, मैं बाकी सारे ड्राइवर इकट्ठे होके मैं 2-3 बार गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, क्योंकि जी ऐसा है वो गाड़ी मेरे नाम परमिट नहीं था, दूसरे के नाम परमिट था, इस चक्कर में ये हुआ है जी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ। लाइसेंस का हाल है ये, इनका कुछ पैसा बैलेंस भी था, उन्होंने इनको लिखतम दी, लिखतम देने के बाद वो पैसा नहीं दिया गया इनको, वो बताइए आप डीलर ने? मैंने वो उससे पैसे देने के बोला था उसने, तो पैसे गाड़ी आपके उठा कर ले गए, आपका पैसा उसके पास जमा है, और आपने अगर थोड़ा सा पैसा उसका देना भी था तो पैसा अपना काट कर फिर भी तो आपका पैसा बचता था ना? वो नहीं दिया जी, उसने नहीं दिया, साफ मना करता है, गालियां देता है जी, है
और धक्के मार के बाहर निकाल लेते हैं। पैसे की बात करने उनके ऑफिस में जाते हैं तो ये उनको वो इनको गालियां देता है, उल्टी सीधी बातें कहता है इनको। मुझे बताया जा रहा है कि किस प्रकार जब एक सॉल्वमेंट टूट जाती है एक या दो टूट, उसके बाद पेनल्टी पर पेनल्टी पेनल्टी पर पेनल्टी पेनल्टी पर पेनल्टी, सर वो क्या करना चाहेंगे? अब हम तो ये बोलेंगे जी इतनी पेनल्टी लगाएंगे तो हम कहाँ से दे पाएंगे, यहाँ काम धंधा है नहीं, इतनी पेनल्टी लगाते कहाँ से देंगे आप बताओ। फिर वो एंड में क्या करते हैं, हमारी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। अब बताओ सर, मैंने एक गाड़ी ली थी 5 महीने पहले, उसका परमिट होल्डर बुधविहार में, गाड़ी ली मंगोलपुरी से मैंने, गाड़ी के कागज उसने रख दिए खन्ना मार्केट में, खन्ना मार्केट वाले ने रख दिए बंसल के यहाँ, वहाँ से फोन आता है मेरे पास 4 महीने बाद, भाई किस्त नहीं दे रहे हो गाड़ी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपके कागज आगे से आगे आगे से आगे जाते? कोई किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया मेरे को। हाँ धांधलेबाजी चल रहा सर, ऐसे वो बताते ही नहीं है वो लोग, ना इधर से बताया ना उधर से, मैं किस्त यहाँ देता रहा, उसके बाद ये कह रहा है इससे बात करी तो क्या किस्त वहीं देना, उन्होंने गाड़ी पकड़ने का नंबर दे दिया, 5 दिन से स्टैंड पकड़ा हूँ, गाड़ी उठाने की धमकी दे रखी है। हाँ ये 5 महीने पहले ही आपने गाड़ी ली थी? 5 महीने पहले गाड़ी ये खड़ी है। इंस्टॉलमेंट आप कितनी दे रहे थे, आज तक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आप लोग? अभी 52,000 रुपये दे के आया हूँ, तब गाड़ी का आज निकाली है रोड पे। तो आपको 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 आप क्या नाम था फाइनेंसर का? अबे हंसना करो, जो बात है वो बात तो करो। अरे नाम बताओ, फाइनेंसर उसका है गुरु नानक। गुरु नानक? हाँ गुरु नानक। हाँ GRD कहाँ? अच्छा खन्ना मार्केट में, गेट नंबर 5। हाँ उसको 52,000 रुपए दे के आए हो तो आप? हाँ अभी मैंने दिए 23,001, 26,001, कितने हो गए? और जो ब्रोकर को पैसे दे रखे थे उससे वापस लिए? ले लिया आपने? हाँ, ले, वो पैसे। हाँ, पैसे अब एचपी, आपको एचपी होल्डर की पर्ची मिली है आपको? अभी कुछ नहीं। क्या आपको पक्की रसीद, आपको पक्की रसीद देते हैं? आपको पक्की, आपके नाम आपके पास कुछ रसीद है इस समय जो आप मुझे दिखा सके? दिखाइए एक मिनट, एक मिनट। देखिएगा इस समय हमारे पास एक ऑटो ड्राइवर हैं जिन्होंने GH ऑटो डील्स के रसीद जिसके अंदर सिर्फ व्हीकल नंबर लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो है 26,000 है ये देखिए, ये तो कल ही देख रहे हो, फॉर रेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, लिखा हुआ है फॉर रेंट, जबकि वो इंस्टॉलमेंट है, जबकि वो इंस्टॉलमेंट पर दे के आया, लेकिन रसीद दी जा रही है कि वो एक एज ए उसका किराया दिया जा रहा है जो कि टोटली गैर कानूनी है। और मैं इनसे कहूंगा कि आइंदा कभी मत दीजिएगा, उनको बोला भैया इसके ऊपर लिखेगा मेरी इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट लिखोगे मैं तभी पैसे दूंगा जो है, ठीक है? और या और अगर ऐसा है, अरे सुनिए, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक इनको एक लीगल नोटिस जारी कर दीजिएगा कि ऐसे 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 मैंने आपसे ये परचेज किया था और मुझे आप लोग रसीद दे रहे हैं एज ए किराए की, मुझे ओरिजिनल रसीद चाहिए, और अगर आप अगर इनका होगा मैं मजबूर हो जाऊंगा इसको कोर्ट में जमा करवाने के लिए पैसे को जो है। ठीक है, आपको एक लीगल नोटिस जारी कीजिएगा, किसको? इस फाइनेंसर को जिससे ये GH वाले जो कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको साथ धोखाधड़ी कर रहा है, आप पैसे दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के, लेकिन वो आपको रसीद दे, वो आपका रसीद दे रहा है सिर्फ एक किराए की जो है कि आप किराए के रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है ना, जो कि गैर कानूनी है, आपका हक है रसीद लेना, तो आपको ये सब करना चाहिए। हाँ जी, क्या करना चाहेंगे आप? मैं सर मोदी जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी जी आप जो है ईडी की जांच आप केजरीवाल के ऊपर कर रहे हो, ईडी की जांच कर रहे हो, सीबीआई की जांच आप केजरीवाल के ऊपर कर रहे हो, उसके ऊपर आपने 20 जांचें लिख कर डाल रखी है। मैं कहता हूं कि आप जो है फाइनेंसरों के ऊपर ईडी की जांच करवाइए, सीबीआई की जांच करवाइए, आरबीआई की जांच करवाइए। जितना पैसा आरबीआई के अंदर होगा नहीं, उतना पैसा डीलरों के पास है, फाइनेंसरों के पास है, और इनके पास मैं कह रहा हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने डीलर हैं उनके भाई साहब आप चेक करिए, अकाउंट चेक करवाइए, जितने गाड़ियां जितनी गाड़ियों ने इतने ड्राइवरों को वो कर दिया है, बर्बाद कर दिया इन्होंने ड्राइवरों को। गाड़ी दे रहे हैं सर 8-8 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, 9-9 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, बताओ ये बुराड़ी वाले क्या आपने समझते हैं कि जो बुराड़ी के अंदर जो हो रहा है उसके बाबत भी CBI आई है या आपकी बाकी सब चीजों के बारे में एक्शन लेने की जरूरत है? बिल्कुल एक्शन लेने की जरूरत है। केजरीवाल जी सो रहे हैं अभी तक, वो बुराड़ी तक गए नहीं है, पहुंचे ही नहीं है। अगर वो बुराड़ी जाएंगे उधर अंधा कुआं है, एक तरीके का अंधा कुआं है, अलग अलग धंधे खोल रखे हैं लोगों ने, अलग अलग दुकानें बना रखी है छोटी छोटी अपनी, और जाते हैं बुराड़ी अथॉरिटी सिर्फ बाहर का मुआयना करके आ जाते हैं, वो केजरीवाल जी जाते हैं वो बाहर
कैलाश जी, कैलाश गहलोत जी को खुद पैसा जाता है, ये डीलर खुद इकट्ठा करके इनको एंट्री मतलब इकट्ठा करके मतलब है कि जो मिनिस्टर जो है उनके पास भी पैसा पहुंचता है डीलर के जरिए। बिल्कुल, तभी तो ये सारे धांधली चल रही है, सारा भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक कोई मिली भगत से हो रहा है, सर जी मिली भगत से हो रहा है। नहीं, ये जो दलाल बैठे हुए हैं, फाइनेंसर दलाल, ये जो अपने आप को फाइनेंसर कहते हैं, ये तो दलाल है, ये तो मीडिएटर है, ठीक है, इनका इनको किस लेने का कोई अधिकार है ही नहीं, इनको जो है ना ये रसीद देने का कोई अधिकार नहीं है, और रसीद देते हैं तो ये रेंटेड की रसीद देते हैं, ये देते ही नहीं, लेते इंस्टॉलमेंट है, हाँ लेते इंस्टॉलमेंट है, लेकिन रेंट किराए की रसीद देते हैं ये, हमको किराएदार मतलब हम जो है ना किराए पर ऑटो चला रहे हैं उसकी रसीद देते हैं, ये सारी धांधली मिली भगत से हो रही है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी क्या ऑटो रिक्शा चलाते हुए कोई परेशानियां झेल रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, चाहे फाइनेंसर की है, चाहे आपकी अथॉरिटीज की है या पुलिस की है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे परेशानियां तो हरेक पब्लिक को ही परेशानी ही है, अथॉरिटी में जाओ तो गाड़ियां पास नहीं होती हैं, पैसे चाहिए दलालों के लिए, और उसके बाद में जो है कि रोड पे आओ तो काम नहीं है, रिक्शे इतने हो गए हैं, बयान जहाँ हाथ दो वहीं ब्रेक मार देंगे, चाहे पीछे से कोई ठोक जाए। थैंक यू। और रिक्शे वाले और कोई आज में कोई बोलना चाहता है तो बता दीजिए। सर अब ये रिक्शे वाले रॉप से बोलते हैं सर कि हम मंथली देते हैं, यहीं खड़े होंगे, ट्रैफिक वालों को पैसे देते हैं, आपके ऑटो वाले ही ये फीरा गड़ी है, ये बैटरी रिक्शे वाले जबरदस्ती फीरा गड़ी चौक पे देखो, बी ब्लॉक पे देखो, हम खड़े हो गए तो हमारा चलान काट देंगे, और बैटरी वालों को कुछ नहीं बोलते हैं, उनसे पैसा खा रहे जा रहा है। आपसे कभी पैसा नहीं मांगा इस चीज के लिए? नहीं, हम क्यों देंगे सर, हम गलती नहीं करते हैं, हम लोगों का तो खड़े होने पे चलान छोटी सी बात, जितने भी ये बैटरी रिक्शे हैं, ई रिक्शे हैं, ये जितने भी आउटर रिंग रोड हो गया, रिंग रोड हो गया, जितने भी जो मेन रोड है, इन पे अलाउ नहीं है, लेकिन क्या इनकी एंट्री आती है, और एंट्री ट्रैफिक पुलिस से जाती है, और ट्रैफिक पुलिस से ऊपर जाती है इनकी एंट्री, इसी वजह से ये चलते हैं, जबकि ये अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, मेन रोड पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, केवल लिंक रोड पे अलाउ है अंदर, जबकि ये आप आउटर रिंग रोड पे देख लो, रिंग रोड पे देख लो, ये बिल्कुल मतलब बदमाशी से चलते हैं, बदमाशी और दिखाते हैं, इनसे कुछ कहो कि ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सड़क पर ये भी गैर कानूनी चल रहे हैं, चल रहे हैं बिल्कुल जी, गैर कानूनी चल रहे हैं, ये लिखे आधे से ज्यादा दारू भी रखी होती है, आप कभी भी ट्रायल मारना है इनकी। एक बैटरी रिक्शे वाला इंजेक्शन लगा के वहाँ बैठा हुआ, फेसबुक पे डाला है मैंने, ये इतनी सारी चीजें हैं जो ये नशा बैटरी रिक्शे, मेन चीज ये भी आपकी आ गई कि जो मेन रोड्स हैं उसके ऊपर जो ई रिक्शा चल रहे हैं, जबकि इनको अंदर के लिंक रोड के ऊपर जाना चाहिए, रिक्शा चल रहा है बिना नंबर प्लेट के भी, आपको यही दिखाता हूँ मैं आपको, अभी कितने रिक्शे जाएंगे जिनके पीछे नंबर प्लेट है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब सर कोर्ट ने इनको मतलब बैंड भी किया था, लेकिन आज ये जो बैटरी रिक्शा चल रहे रोड पे, ये ऑटो वाले नहीं, ये जो है कि पुलिस शासन चलवा रही है, ये गारंटी देते हैं हम, और जहाँ चाहेंगे तहाँ मैं बैटरी रिक्शा वाले के लिए पुलिस शासन करवा रही है, पुलिस शासन का इसी जिम्मेदार है, और जहाँ हर एक चौक पे ही सड़क के ऊपर खड़े होते हैं, ट्रैफिक चल रहा होता है, लेकिन क्या कि कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि कोई ठोक के चला जाए, कुछ हो जाए, कोई परवाह नहीं, खड़े रहेंगे वही भी बतवे, ना ट्रैफिक वाले कुछ बोलेंगे, ना पुलिस वाले कुछ बोलेंगे। जलेबी चौक पे तीन तीन चार चार जिप्सी खड़ी रहती है, सारे देखते रहते हैं, रिक्शा का इतना ताता बुरा हाल लगता है, यहाँ तक पीछे तक आ जाता है जाम बहुत लगता है, और हमारे वहाँ से बसें भी नहीं मिल पाती, पूरा चौक अगर ट्रेन है तो ट्रेन से बाहर यहाँ तक रिक्शे खड़े होते हैं, और उन बजा करके भी बसें बजा करके परेशान हो, फिर भी जाम खुलता ही नहीं है वहाँ का। आप रिठाला मेट्रो पे आप कभी भी आप न्यूज को आप जो है वो कर सकते हो, वहाँ पे आप देखना बोर्ड लगा हुआ है नो एंट्री रिक्शा आप, लेकिन शाम को आप सुबह शाम जब भी देख सकते हो, आपको वहाँ पे आ तक मिलेगा, और आपको मैं ये आज चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें चीफ जस्टिस सुरमू साहब को संज्ञान लेना चाहिए, वे अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाकी और कोई कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता, वो करेंगे सब कुछ हो जाएगा, वे अगर चाहेंगे, उनके अंदर इतनी मानसिकता है कि वो सही को सही कहते हैं, गलत को गलत, वहां तक आपकी बात पहुंचाएगा तभी ना, जब यहां पे सब एकता होगी सर, जबी उससे पहले नहीं होगी सर, मैं ये आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो चीफ जस्टिस कर सकते हैं, क्यों अपनी समस्या का। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी ऑटो चलाते हैं, पहले आदमी है जो वो कहते हैं कि हीरागढ़ी चौक पे कम से कम है ना 100 रिक्शा लगता है,
100 रिक्शे लगते हैं पीरागढ़ी चौक पे। हर रिक्शे वाला ये बोलता है 1000 रुपये मंथली देता हूँ यहाँ खड़े होने का, 1000 रुपये मंथली देता हूँ खड़े होने का। 100 रिक्शे का एक पेटी बनता है, एक पेटी थाने में पहुँचता है, सारी जगह पहुँचता है। रिक्शे वाला ऑटो वाला गाड़ी निगड़ी कर सकता ना, पार्किंग का चलान होगा उसका फट सीना। और रिक्शे वाला ई रिक्शे वाला बोलता है कि जाके उस सफेद वर्दी को बुला के। आपका कहना का मतलब हर ई रिक्शा वाला 1000 रुपया महीना थाने वालों को देता है और वो सारा का सारा पैसा ऊपर तक जाता है, जाता है। और ऑटो रिक्शे वाला खड़ा कर दे तो चलान होता है उसका नो पार्किंग का। बैटरी रिक्शा वाला बोलता है कि सफेद यूनिफॉर्म में ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है उसको बुला के लिया, 1000 रुपये मंथली देता हूँ, तेरी हटवा दूंगा अलर्ट में, बोलता तेरी ऑटो हटवा दूंगा, मेरी नहीं हटेगी। मैंने इस बात को नोट कर रहा हूँ कि किस प्रकार कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी है हर ड्राइवर की, हर ऑटो ड्राइवर की, चाहे वो फाइनेंशियल से परेशान हो रहा है, चाहे वो पुलिस से परेशान हो रहा है, चाहे वो अथॉरिटी से परेशान हो रहा है। लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि ड्राइवर लोग काफ़ी परेशान है। जब यह सुनकर बहुत दिमाग ख़राब हुआ कि एक मालिक गाड़ी का वो आज किराए पर आ गया है क्योंकि फाइनेंशियल ने थोड़ी 2000 शायद इंस्टॉलमेंट ना देने की वजह से उसकी गाड़ी को ही छीन लिया गया है, जो कि कानून के अंदर बिल्कुल गैर कानूनी है। ऐसे गाड़ी को नहीं छीना जा सकता है। और उसके बाद ये कहते हैं कि किस प्रकार फाइनेंशियल यहाँ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मुझे लगता है कि इस इश्यू को बहुत हाई लेवल पर उठाने की जरूरत है और जरूरत पड़ेगी तो इस इश्यू को कोर्ट में भी ले जाने की कोशिश करेंगे हम लोग इस बाबत जो है। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज लाता रहूंगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।